हेलो गाइस, आज के वीडियो में हम बताने वाले हैं कि जो हमारा रियलमी 12 प्रो फ़ोन है, तो रियलमी 12 प्रो फ़ोन की सेटिंग्स पे जाकर जो हमारे फ़ोन में ऑप्शंस आता है कि आप कैसे अपने फ़ोन की सेटिंग्स पे जाकर होम स्क्रीन, क्लॉक टाइमिंग वगैरह को आप कैसे सेट कर सकते हैं रियलमी 12 प्रो फ़ोन की सेटिंग्स पे जाकर, और होम स्क्रीन क्लॉक टाइमिंग को कैसे सेट कर सकते हैं अपने रियलमी 12 प्रो फ़ोन में, तो आज हम बताने वाले हैं कि होम स्क्रीन क्लॉक टाइमिंग को सेट कैसे कर सकते हैं और कैसे होम स्क्रीन क्लॉक टाइमिंग सेट कर सकते हैं रियलमी 12 प्रो फ़ोन में, तो बताने वाले हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि आइकन्स हैं, शो हो रहे हैं, तो आपको स्वाइप करना है। स्वाइप करते ही ऑल आइकन्स ओपन हो जाएंगे, जिसमें से आपको सेटिंग्स पे जाना है और क्लिक करते ही फ़ोन की सेटिंग्स ओपन हो जाएगी। तुम्हारे फ़ोन में ऑप्शन आता है कि आप होम स्क्रीन क्लॉक टाइमिंग को सेट कैसे कर सकते हैं रियलमी 12 प्रो फ़ोन में, तो सिंपली सेटिंग शो हो रही है तो आपको स्लाइड करते ही सिस्टम पे चले जाना है, जहाँ से आपके पास ये ऑप्शन आता है डेट एंड टाइमिंग सेटिंग्स का, जिस पे जाकर आप होम स्क्रीन क्लॉक टाइमिंग को सेट कर सकते हैं। जो भी टाइमिंग आप सेट करना चाहते हैं तो टाइम पे क्लिक करना है, और टाइमिंग पे क्लिक करके जो भी टाइमिंग आप सेट करना चाहें कर सकते हैं, और यहाँ से भी टाइमिंग को टाइप करके सेट कर सकते हैं, और ओके करते ही होम स्क्रीन क्लॉक टाइमिंग आपके फ़ोन में सेट हो जाएगा। तो इस तरीके से भी क्लॉक टाइमिंग वगैरह अपने फ़ोन की स्क्रीन पे सेट कर सकते हैं होम स्क्रीन क्लॉक में, एंड आप चाहें तो ऑटोमेटिकली भी सेट कर सकते हैं। ऑन कर देंगे तो टाइमिंग आपके फ़ोन में ऑटोमेटिकली सेट हो जाएगा, जिससे टाइमिंग आपके फ़ोन में ऑटोमेटिकली शो करेगा। एंड आप ऑफ करते हैं तो आप टाइमिंग को मैन्युअली यहाँ से अपने तरीके से सेट कर सकते हैं। जो भी आप टाइमिंग सेट करना चाहें तो कर सकते हैं स्लाइडिंग करके, जो भी आप सेट करना चाहते हैं। तो इस तरीके से होम स्क्रीन क्लॉक टाइमिंग को सेट कर सकते हैं रियलमी 12 प्रो फ़ोन में, और होम स्क्रीन क्लॉक टाइमिंग को भी सेट कर सकते हैं। तो आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतजार करें और वीडियोज़ को शेयर करें।